राम मंदिर पर किस तरह से मोदी सरकार चौतरफा घिर चुकी है ये आपको बताते हैं। राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है और इस पर जनवरी में सुनवाई होगी, लेकिन लगता है कि उससे पहले सरकार को रामबाण चलाना पड़ेगा। जी हाँ, ये रामबाण क्या हो सकता है और कैसे चलेगा आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि किस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर साधु संत, VHP, RSS और जो सहयोगी पार्टियां हैं, सहयोगी सरकार पर ही आक्रामक हो गए हैं। राम मंदिर पर मोदी सरकार सात चक्रव्यूह के बीच इस वक्त घिरी हुई दिखाई दे रही है। अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिर वो सात चक्रव्यूह कौन कौन से हैं। देखिए, ये सात चक्रव्यूह जो सरकार के चौतरफा घूम रहे हैं, ये देखिए, बाबा रामदेव अभी नहीं तो कभी नहीं, मंदिर का निर्माण होना चाहिए, आप कानून लाइए, साधु संतों का पहले से ही दबाव है, मामला हालांकि सुप्रीम कोर्ट पे है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केस पर जल्दी सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। और जो सहयोगी पार्टी शिवसेना है वो लगातार ये कह रही है कि देखिए, 5 साल होने को है, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। 2014 में ये बकायदा मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में था कि अगर हमारी सरकार बन जाती है तो राम मंदिर का निर्माण होगा। तो साफ तौर पर शिवसेना कह रही है कि कुछ भी नहीं किया गया सरकार की तरफ से, अब जल्द ही कुछ होना चाहिए, यह शिवसेना का कहना है। लेकिन उधर जो आपको ये बता दे कि रामलला त्रिपाल में कब तक रहेंगे, बड़ा सवाल ये लगातार बना हुआ है। मुस्लिम पक्षकारों का इस मामले में ये कहना है कि देखिए, मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से ही फैसला हो तो ज्यादा बेहतर होगा, आप अध्यादेश लाकर कानून मत बनाइए, आप अध्यादेश मत लाइए, ये मुस्लिम पक्षकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन बड़ा दबाव RSS की तरफ से भी है। RSS प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि देखिए, राम मंदिर जो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मुद्दा है, अब संसद में कानून लाओ, मंदिर बनवाओ, ये साफ तौर पर RSS की तरफ से कहा जा चुका है। उधर बाबा रामदेव की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि देखिए, ये इससे सुनहरा मौका और हो नहीं सकता, और अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो फिर तनाव होगा, माहौल बिगड़ेगा, इसलिए राम मंदिर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो सरकार को कानून इस मसले पर लाना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से चक्रव्यूह के अंदर केंद्र सरकार फंसी हुई है राम मंदिर को लेकर। 1992 से लेकर आज तक विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन चला रही है। VHP RSS का ही एक धार्मिक संगठन है। राम मंदिर पर VHP का कहना है कि अब सिर्फ सरकार द्वारा अध्यादेश लाने का रास्ता ही बचा है। VHP ने तो यहां तक दावा किया है कि अगले 6 महीने में मोदी सरकार राम मंदिर पर काम करना शुरू कर राम मंदिर हिंदुओं को सौंप देगी। राम मंदिर मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन जी हैं, उनसे बात करते हैं। जैन सर, राम मंदिर कब बनेगा, क्योंकि कोर्ट तो तारीख पे तारीख दिए जा रही है और मोदी सरकार ने 4.5 साल गवा दिए। आप गए हुए 4.5 साल देख रहे हैं, मैं बचे हुए 6 महीने देख रहा हूं। हमको पूरा विश्वास है यही सरकार कानून लाएगी और राम जन्मभूमि हिंदुओं के हवाले करेगी, ये नहीं तो कौन। प्रश्न ये आता है, क्या राहुल गांधी करेंगे, जिन्होंने आज भी हिंदुओं को गाली देने में जिनके लोग संकोच नहीं करते, कभी हिंदू पाकिस्तान कहते हैं, कभी हिंदू तालिबान कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीदें इनसे ही हैं, और उम्मीदें नहीं, विश्वास है। तो इसलिए यह विषय आगे बढ़ेगा। जहां तक तारीख का प्रश्न है, विश्व हिंदू परिषद की पूरी तैयारी है। सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए, 2 मंजिल तक के पत्थर गढ़े जा चुके हैं, जिस दिन जमीन हमारे हाथ में आएगी ये निश्चित मानकर चलें, हम बहुत जल्दी मंदिर निर्माण शुरू कर देंगे। बिना रुके ये भव्य मंदिर का निर्माण लगातार चलता रहेगा। जो भी परिस्थिति होंगी पूज्य संतों के सामने रखी जाएंगी। 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयाग में कुंभ के अवसर पर देश के लाखों संत इकट्ठे होंगे। धर्म संसद का आयोजन किया गया है, हम सारे डेवलपमेंट्स उनके सामने रखेंगे, जो उनका आदेश होगा हम आगे उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। शिवसेना भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, अब तो खुद उद्धव ठाकरे और उनके साथ में कई नेता अयोध्या का रुख कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हर आदमी को उस तरफ की दिशा रखनी ही चाहिए, और केवल शिवसेना नहीं, हम वो वातावरण बनाएंगे, हर राजनीतिक पार्टी का रुख अगर कहीं होगा वो अयोध्या पर होगा। हम अयोध्या केंद्रित राजनीति ये रूप उसका देना चाहते हैं, हर आदमी जो सहयोग देगा उसका स्वागत है। पर आपके अध्यक्ष ने पिछले हफ्ते कहा था कि बाला साहेब ठाकरे का स्मारक तो बना ही नहीं पाए, ये शिवसेना राम मंदिर क्या बनाएगी। शिवसेना ने भी हमेशा प्रयास किया है, लेकिन यह निश्चित है कि जिस संगठन ने इस आंदोलन को इस ऊंचाई तक पहुंचाया, आज राम विरोधी भी वहां राम मंदिर का विरोध नहीं कर पा रहे।
राम का विरोध करने वाले आज मंदिर मंदिर में चक्कर काट रहे हैं। तो इसलिए जिसने इस ऊंचाई तक पहुंचाया कि गांव गांव के अंदर राम जन्मभूमि का मॉडल पहुंच गया, वहां के लोग आकर कार सेवा करने लगे, 16 करोड़ से ज्यादा लोग एक्टिवली भाग लिए, केवल वही संगठन और वही संत वहां राम मंदिर बनाएंगे, ये निश्चित है। देखिए, एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरी तरफ वीएचपी ये कह रही है कि देखिए 6 महीने के अंदर जो राम मंदिर निर्माण का काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में स्वामी रामदेव ने भी सरकार को धर्म संकट में डाल दिया है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर रामदेव का कहना है कि अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो देश में फिर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाएगा। रामदेव ने तो यहां तक कहा है कि राम मंदिर अभी नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा, ये मुफीद वक्त है, सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए, कानून लाकर राम मंदिर बनाए सरकार। स्वामी रामदेव की तरफ से सीधे सीधे दो टू की बात कही गई है। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान किसी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अहिंसा और प्रेम ये हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं, इसलिए मजहबी उन्माद राष्ट्र में नहीं है। लेकिन यदि राम मंदिर नहीं बना तो देश में एक सांप्रदायिक माहौल जरूर गरमाएगा और उससे सामाजिक वैमनस्य से देश में नुकसान होने की संभावना है। देखिए, मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, रामदेव का दबाव है लगातार, साधु संतों का भी दबाव है, साधु संतों की लगातार जो धर्म संसद हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि देखिए राम मंदिर अब सरकार को बनाना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए, 4.5 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है। और उधर उद्धव ठाकरे भी अयोध्या जाएंगे, उद्धव ठाकरे भी जाएंगे शिवसेना के प्रमुख, और उद्धव ठाकरे वहां जाकर साधु संतों से बाकायदा मुलाकात करेंगे। 25 तारीख को क्या होगा राम मंदिर पर, यह बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे जब जाएंगे तो क्या कहेंगे, साधु संतों की सभा होगी अयोध्या में, और अब माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है राम मंदिर को लेकर के। एक तरफ आरएसएस का दबाव है, वीएचपी का दबाव है, शिवसेना लगातार लगी हुई है। उधर आपको यह भी बता दें कि बाबा रामदेव जो कि लगातार सरकार के समर्थन में रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अब ये मुफीद वक्त है, सरकार को कानून लाकर राम मंदिर बनाने का काम शुरू करना चाहिए। लेकिन शिवसेना लगातार राम मंदिर को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बना रही है, और जो शिवसेना का मुखपत्र सामना है उसमें भी लगातार लेख लिखे जा रहे हैं जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण जल्दी होना चाहिए। आपको बताते हैं कि सामना में क्या छपा है। देखिए, सामना के संपादकीय में छपा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हिंदुत्व का घंटानाद नए सिरे से शुरू हो गया है। आज 25 साल के बाद भी मंदिर नहीं पाए हैं, मंदिर नहीं बन पाया है, तो राम मंदिर पर शिवसेना की सरकार को यह खरी खरी है कि इतना वक्त गुजर गया लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया है राम मंदिर निर्माण को लेकर। गया उद्धव ठाकरे भी जाएंगे अयोध्या, लेकिन इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे के जाने से पहले ही यह संपादकीय सामना में छपा है। लेकिन अब सरकार क्या करेगी, सबकी नजरें जो टिकी हुई है वो सरकार पर है, चूंकि सरकार पर ही राम मंदिर को लेकर दबाव लगातार बढ़ा हुआ है। चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सरकार रामबाण दरअसल चल सकती है, और ये रामबाण क्या अध्यादेश जैसा होगा, क्या अध्यादेश होगा ये रामबाण, इसको लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीजेपी ने शीतकालीन सत्र के लिए सांसदों को व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने शीतकालीन सत्र के दौरान सभी सांसदों को 11 दिसंबर से लेकर 9 जनवरी तक, ये सत्र रहेगा, सभी सांसदों को 11 दिसंबर से 9 जनवरी तक दिल्ली में रहने और दिल्ली से बाहर के कार्यक्रम ना बनाने के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी के व्हिप जारी किए जाने से अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार राम मंदिर को लेकर किसी तरह की कोई तैयारी कर रही है, क्या अंदर खाने कुछ खिचड़ी पक रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाला विधेयक लाने की संभावनाएं भी इस वक्त टटोल रही है। चूंकि दबाव सरकार पर काफी ज्यादा है, इसलिए सरकार पर यह दबाव है कि सरकार राम मंदिर को लेकर कुछ ना कुछ करे, क्योंकि सिर्फ अब 6 महीने का कार्यकाल बचा है, 4.5 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं। और इस बीच यूपी सरकार जो कि राम मंदिर को लेकर थोड़े आक्रामक बयान दे रही थी, अब उसके बयान में थोड़ी सी नरमी आई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी सरकार राम मंदिर पर कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगी, अदालत का फैसला आने से पहले फिलहाल कानून बनाने या फिर अध्यादेश लाने पर विचार नहीं करेगी। जिनका भी बयान आ रहा है सबका लगभग यही आ रहा है कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए, और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के कारण और सरकार के एक जिम्मेदार दायित्व में होने के कारण हम यह जरूर कह रहे हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय के
आदेश की प्रतीक्षा करेंगे। आपस में समझौते से अगर इसका निष्कर्ष निकलता है तो इससे अधिक स्वागत योग्य कुछ नहीं है, लेकिन अगर नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जल्द फैसला आ जाए, इसकी हर राम भक्त को प्रतीक्षा। तो देखिए, कुछ दिनों में ही केशव प्रसाद मौर्य का बयान बदला है। थोड़े दिन पहले काफी आक्रामक थे राम मंदिर को लेकर के, और अब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट के फैसले का इंतजार हमें करना होगा। बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी हुई है। राम मंदिर को लेकर जो बदलाव आ रहे हैं, जो चर्चाएं चल रही है, जो बयान आ रहे हैं, वो लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।